हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवृद्ध हेतिमन। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है लेडी सुपरवाइजर की, सरकारी परमानेंट जॉब रहने वाली है। वेतन मान यहाँ पे मैट्रिक्स से लेवल 6 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। पर मंथ आप लोगों को 35,400 से लेकर 1,12,400 प्रति माह सैलरी मिलने वाली है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। फीस की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन फीस ज़्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपये है जनरल कैटेगरी की, और जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उनकी 50 रुपये है। योग्यता यहाँ पर स्नातक कही गई है, सभी राज्य के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्नातक कौन से सब्जेक्ट से जो है आपने की है तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो सबसे पहले चेक करने वाले हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन में देखेंगे। पद नाम जो है महिला पर्यवेक्षिका है, लेडी सुपरवाइजर, यानी यहाँ पर केवल लेडी महिला ही जो है आवेदन कर पाएंगी। वेतन मान पे मैट्रिक्स से लेवल 6 के अकॉर्डिंग है, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक प्रति माह जो है आप लोगों को यहाँ सैलरी मिलने वाली है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान या होम साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट में से अगर किसी एक सब्जेक्ट में स्नातक आपने कंप्लीट किया है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, स्नातक कंप्लीट किया है आपने, तो जरूर फॉर्म फिल करें, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट की वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है सरकारी जॉब में। रिक्तियों का अगर विवरण की हम बात करें तो यहां पर कुल जो पद हैं 444 हैं, 444 पद हैं। ज्यादा जो है यहां पर कंपटीशन नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो बहुत कम जो है स्टूडेंट्स के पास रहेंगे, और यहां पर खासकर केवल महिलाएं ही जो है आवेदन कर सकती हैं। 444 जो है यहां पर कुल पोस्ट हैं, और कुछ पोस्ट जो कि आरक्षित वर्ग में बटी हुई है। जनरल की अगर हम बात करें तो 187 पोस्ट है, और यहाँ कंपटीशन ज्यादा नहीं रहेगा। केवल 100 रुपये जो है आप लोगों की फीस लगेगी, जो भी जनरल कैटेगरी के हैं, दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स हैं। छूट मिलने वाली है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50 रुपये रहने वाला है। तो आप लोग जरूर फॉर्म भरें, इतनी फीस भी नहीं है, सब्जेक्ट भी काफी अच्छा है और जॉब भी काफी अच्छी रहती है। तो विज्ञापन जो संख्या है 14/2023 झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023। तो ये वैकेंसी जो है वो झारखंड राज्य से आई है। 70 पेजों की ये PDF फाइल है, केवल मेन मेन चीजें ही हम लोग चेक करेंगे, जो कि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपके जानने के लायक होती है। उम्र सीमा मैंने आपको बता दी 21 वर्ष है, और यहाँ जनरल कैटेगरी की जो उम्र सीमा है वो 38 वर्ष रहने वाली है, और अनुसूचित जनजाति और जाति झारखंड राज्य के महिला की रहने वाली है 40 वर्ष। उसके बाद देख लेते हैं अदर स्टेट के जनरल में ही काउंट होंगे। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भी यही बताती हूँ कि विवरणिका जो दी गई है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ के उसके बाद जो है आवेदन आप करेंगे। तो स्टेप जो है बिल्कुल यहाँ पर लिखे हुए हैं। मेन वेबसाइट पर आप लोग कैसे जाएंगे, कैसे नोटिफिकेशन मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की जो तिथियां रहेंगी, तो रजिस्ट्रेशन 26 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का दिनांक जो है वो 27 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक रहने वाला है। यहाँ पर आप लोगों की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, केवल एक ही जो है परीक्षा ली जाएगी, और इसका पाठ्यक्रम सिलेबस जो है वह भी दिया गया है। तो यहाँ पर सिलेबस भी जो है इतना कठिन नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा 60-60 मार्क्स की आपकी क्वेश्चन पूछी जाएगी। ये पत्र एक है, भाषा ज्ञान के 120 प्रश्न होंगे। दूसरी जो भाषा है वो आपकी क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा होगी। तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से, या फिर संस्कृत, इसमें से एक जो भाषा है वो चयन कर सकते हैं। तीसरा जो पत्र है उसमें आप लोगों का सब्जेक्ट पूछा जाएगा, इसमें तकनीकी या विशिष्ट विषय
सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। तो तकनीकी या विशिष्ट विषय, यानी आपने होम साइंस से किया है या साइकोलॉजी से किया है या आपने सोशियोलॉजी से किया है, तो उसके 100 प्रश्न होंगे। तो स्नातक स्तर तक जो है आप लोगों ने कंप्लीट किया है, तो बहुत आसान से प्रश्न ही पूछे जाएंगे। बाकी डिटेल जो है आप लोगों की सिलेबस की, वो पूरा नीचे दी हुई है, 70 पेजों की ये पीडीएफ फाइल है, तो डिटेल में जो है वो आप लोग देख लेंगे। इसकी जो पीडीएफ फाइल है, मैं आप लोगों को इसका लिंक जो है शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म आराम से जो है फिल कर सकें और ये कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है उसे अच्छे से देख सकें। तो ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मेन वेबसाइट है। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो बिल्कुल आप लोगों को नजर आ जाएगा। कहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट, तो नोटिस आपको नजर आएगा। नोटिस में आप लोग एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे और जितने भी एडवर्टीजमेंट अभी तक जारी हुए हैं सभी आपको दिख जाएंगे। सबसे ऊपर वाला जो है एडवर्टीजमेंट ऑफ झारखंड लेडी सुपरवाइजर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2023, तो यहाँ पर आप लोगों को एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन करने के लिए इसकी जो मेन वेबसाइट है, ये लिंक है, इस पर आप लोगों को जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JLSCE 2023 को क्लिक करें और उसके बाद जो है सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। लास्ट डेट जो है ध्यान में रखिएगा, 26 सितंबर से स्टार्ट है और 25 अक्टूबर लास्ट डेट रहने वाली है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।